हेलो गाइस, मैं पायल। वेलकम टू डीएनडी न्यूज। हर एक दिन की नई खबरें पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, टेलीविजन की वह नन्ही कॉमेडियन आपको याद है जिसने गंगूबाई, बनकर लोगों को खूब हंसाया था। वह छोटी सी बच्ची जिसने सिर्फ 3 साल की उम्र में बड़े बड़े कलाकारों को पीछे छोड़ दिया था। आपके दिमाग पर ज्यादा जोर न डालते हम बताते कि वह बच्ची अब 19 साल की हो गई और उसका असली नाम सलोनी डैनी है। लाइमलाइट से दूर रहने वाली सलोनी एक बार फिर अचानक सुर्खियों में आ गई है। सलोनी के इस बार चर्चा में आने की वजह है उनका फैट टू फिट वाला लुक। दरअसल सलोनी ने अपना 22 किलो वजन कम कर लिया। ये कारनामा उन्होंने लॉकडाउन के दौरान कर दिखाया। सलोनी ने फैसला किया कि वह हर हाल में वजन घटाएगी और लॉकडाउन में उन्होंने अपने लक्ष्य को हासिल भी कर लिया। एक इंटरव्यू में सलोनी ने बताया कि बढ़े हुए वजन की वजह से लोग उनका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि उन्हें भैंस और मोटी तक कहा गया। सलोनी ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट पर अपनी तस्वीर पोस्ट करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता था। सलोनी डैनी फिलहाल टेलीविजन और फिल्मों से दूर है, लेकिन वह सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपने इंस्टाग्राम पर उन्होंने कई तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में सलोनी बहुत प्यारी लग रही है। सलोनी डैनी ने साल 2007 में कॉमेडी सर्कस महासंग्राम रियलिटी शो से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। इसमें वह टेलीविजन के बड़े बड़े कॉमेडियंस के साथ परफॉर्म करती थी। इस शो में सलोनी ने गंगूबाई के किरदार से लोगों को खूब हंसाया था। सलोनी उस समय सबसे कम उम्र की कॉमेडियन थी।